ध्यायेन नित्यं महिषं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमूर्ग्नेर व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और कुमारी कन्याएं मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में दिन और रात्रि निराहार रह करके भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है और दिन रात्रि इस व्रत में जागरण किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। अगर आप हरितालिका तीज व्रत कथा के लिए अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है, सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन माता पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन भगवान शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो भगवान शिव जी दिगंबर, ऐसे ही श्री पार्वती जी तथा भगवान शिव जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री माता पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरे प्रेयसी हो। भाद्रपद माह में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती माता ने कहा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान शिवजी कहते हैं कि भारत वर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं।
वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें अस्फटिक रत्न और वैधुर्य मणि आदि के खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है, जिसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दुपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात को सुनकर बिना उत्तर दिए ही तुम अपनी सखी के घर में रहने लगी। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देखकर सखी ने पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतना दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। माता पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र भगवान शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता भी न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें ढूंढने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी।
उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में समय बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची हो। पार्वती माता ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें अपने साथ ले घर आ गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया, इसी से तुमने मेरे अर्ध आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर कर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती माता ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल गंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं बताई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी जमीरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करे। इसके बाद शिवाय शिव स्वरूपिण्यै यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करे, जिसका अर्थ इस प्रकार है, हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगत धात्री आपको नमस्कार है, हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से माता पार्वती तथा भगवान शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उनका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं,
वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे सात जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है, अन्न को खाती है, तो वह सात जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से शुकरी, फल को खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत को करती है वह मेरे समान पति और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखते हैं, भगवान शिव जी उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हरितालिका तीज के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस व्रत में दिन रात्रि निराहार रह करके अन्न और जल का त्याग करके भगवान शिव का सुबह और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की बालुकामय या मिट्टी की प्रतिमा बना करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी माता पार्वती जी प्रसन्न हो करके सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।